नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का हर व्यक्ति गोरा होने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान उसके गोरे रंग से की जाती है। आजकल के समय में मन की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो बस बाहरी सुंदरता का। गोरेपन को हमारी खूबसूरती का पैमाना माना जाता है। जो जितना गोरा है वो उतना ही खूबसूरत है, जिस कारण हम गोरे दिखने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। इसके लिए महंगी क्रीम्स, रासायनिक ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, जो हमारी त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। कई बार इनके प्रयोग से हमारी त्वचा झुलस भी जाती है। गोरा होना आपके या हमारे हाथ में नहीं है। हमारी त्वचा का रंग प्राकृतिक रूप से गोरा या काला होता है, लेकिन फिर भी हम और आप जैसे कई लोग इस प्राकृतिक देन से छेड़खानी कर उसे खराब कर बैठते हैं, जिसके बाद हमें लगता है कि हमारी रंगत किसी भी तरह से साफ नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, आपका सोचना गलत है। दोस्तों, आज के समय में हमारे पास एक आयुर्वेद ग्रंथ है, जिसमें हर रोग का इलाज घर बैठे ही पाया जा सकता है। इसी तरीके से आप भी अपने चेहरे को काफी आसानी से गोरा, चमकदार और बेदाग बना सकते हैं, वो भी अपने किचन में मौजूद चीजों की मदद से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आप अपने काली त्वचा को गोरा बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक टमाटर की। आपको एक टमाटर लेना दोस्तों, एकदम लाल, जो कि आप मेरे पास ये देख रहे हैं। आपको इस टमाटर को कद्दूकस करना है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका कद्दूकस हो जाएगा। अब आपको दोस्तों इसे एक खाली कटोरी में छलनी की मदद से छानकर इसका रस निकालना है। दोस्तों, टमाटर के रस में प्राकृतिक तत्व और विटामिन पाए जाते हैं, जो एक्ने को कम करने में सहायक होते हैं। टमाटर में नेचुरल एसिड होता है, जो कि एक्ने और एक्ने स्टार को एस्टियन बनकर साफ करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि स्किन से ऑयल साफ करने में मदद करता है। टमाटर ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टमाटर का रस हमारे चेहरे के दाग धब्बे और काले निशानों को दूर करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको टमाटर के रस को छानकर अलग कर लेना है। अब दोस्तों इसमें आपको अगली चीज जो ऐड करनी है वो है दोस्तों कच्चा दूध। आपको यहाँ पर कच्चा दूध लेना है दोस्तों। आपको इसमें जो है 4 चम्मच कच्चे दूध के ऐड करने हैं। कच्चा दूध दोस्तों इस नुस्खे में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कच्चे दूध के अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हमारे चेहरे के अंदर तक जाकर चेहरे की सफाई करते हैं। साथ ही ये हमारे चेहरे के कालेपन को दूर कर हमारे चेहरे को गोरा, चमकदार और बेदाग बनाते हैं। कच्चे दूध में पाए जाने वाले गुण हमारी त्वचा में जमे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारी त्वचा काफी गोरी, चमकदार और सुंदर बनती है। तो दोस्तों आपको इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तरीके से दोस्तों ये आपका मिक्स होके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको एक कॉटन बॉल लेना है। इतना सा आपको इसमें कॉटन बॉल को इस तरीके से डिप करके इसे जो रात को सोने से पहले अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से दोस्तों लगाकर आपको इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आपको उंगलियों से इस तरीके से इसे रफ करते हुए छुड़ाना है। फिर आपको इसे सादा पानी से अपने चेहरे को धोकर साफ कर लेना है। दोस्तों इस नुस्खे को आप फ्रिज में कम से कम 2 दिन तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस नुस्खे को आप हो सके तो सुबह नहाने से पहले करें और रात को सोने से पहले। दिन में अगर 2 बार इस नुस्खे को करते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत ही जल्दी काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे आपका चेहरा काफी गोरा, चमकदार और सुंदर बनेगा। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊं कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।